Hello everyone and a very good morning to all of you. Welcome back once again to the session of government schemes. Main hu Manish Mishra and guys in today's session I will bring to you another very important scheme jiska naam hai Atal Pension Yojana. Guys is scheme mein kai logon ko bahut sari confusions hain so aaj wo sari ki sari confusions main aapki dur kar dunga and ye scheme bahut easy hai isme aapko koi bhi zyada effort lagane ki zarurat nahi padegi and isme se kai baar question aa chuka hai exam mein so ye kafi zyada important scheme hai right. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डिस्कशन ऑफ द स्कीम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम राइट. सो ओके सो ऑब्जेक्टिव गाइस इज द नेम ऑफ द स्कीम इज व्हाट अटल पेंशन योजना. ओके यहाँ पे एक शब्द है जिसका नाम है पेंशन एंड इसके अलावा कोई भी वर्ड यहाँ पे नहीं लिखा गया है. इसका मतलब ये है कि ये एक पेंशन बेनिफिट स्कीम है. ओके सो पेंशन बेनिफिट स्कीम ये किसके लिए है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना जिसमें वो वाली स्कीम भी पेंशन बेनिफिट स्कीम थी बट किसके लिए थी. लघु व्यापारी के लिए थी. हमने पढ़ा पीएम श्रम योगी मानधन योजना जिसके अंतर्गत जो श्रम योगी हैं उनके लिए वो पेंशन स्कीम थी. हमने पढ़ा पीएम किसान मानधन योजना जो कि पेंशन बेनिफिट स्कीम थी किसके लिए किसानों के लिए थी. बट यहाँ पे कोई भी एक कैटेगरी को जस्टिफाई स्पेसिफाई नहीं किया गया है बाय द गवर्नमेंट. इसका मतलब ये है दैट दिस स्कीम इज फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. हर सिटीजन के लिए है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जॉब इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सैलरी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वर्किंग कंडीशंस इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर लिविंग कंडीशंस. चाहे कोई भी हो हमारे देश का सिटीजन अगर वो है तो वो इस स्कीम में अपने आप को एनरोल कर सकता है. ओके सो आई होप द ऑब्जेक्टिव इज क्लियर. पेंशन बेनिफिट इट इज अ पेंशन बेनिफिट स्कीम फॉर ऑल. बट अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये स्कीम सबके लिए तो है लेकिन इसमें जो फोकस है वो केवल अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर है या फिर ऐसे लोगों के ऊपर जिनकी लिविंग कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है. जो पुअर पीपल है उनके ऊपर इसमें फोकस दिया गया है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई नॉर्मल पर्सन जाके अटल पेंशन योजना का फायदा नहीं ले सकता. हर कोई ले सकता है विद अ फोकस ऑन द अनऑर्गेनाइज वर्कर्स राइट. सो गाइज आई होप द ऑब्जेक्टिव इज क्लियर. इट इज अ पेंशन बेनिफिट स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी टू द सिटीजन ऑफ इंडिया especially the poor, the underprivileged and the workers in the unorganized sector. Okay, and ministry guys, अब यहाँ पे ministry का आपको याद रखना का थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा सा आप logically सोचो so ये जो pension scheme है ये किसके लिए है. ये कहाँ से आई थी. ये आई थी स्वावलंबन स्कीम के लिए. ओके ये कहाँ से आई थी. स्वावलंबन स्कीम और NPS लाइट करके स्कीम थी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चलाती थी. इनको मर्ज करके इसमें इसको खत्म करके कन्वर्ट किया गया इनटू द अटल पेंशन योजना. ओके सो अगर अर्लियर स्कीम्स अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चला रही थी सो ये वाली स्कीम भी कौन चलाएगा. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चलाएगा. एक तो तरीका यह है याद रखने का. दूसरा तरीका यह है कि अटल पेंशन योजना जो है बिल्कुल है ऑन द लाइन्स ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम. ये बिल्कुल NPS की लाइन्स पे है एंड NPS कौन चलाता है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चलाता है. सो इसका मतलब इस स्कीम को भी कौन चलाएगा. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चलाएगा. और क्योंकि ये सबके लिए है तो इसलिए इसको किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में नहीं डाला गया. लाइक फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था दैट जो श्रम योगी मानधन है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में था. लघु व्यापारी भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में था. किसान मानधन किसके पास था. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के पास था. तो इन सभी जगहों पर क्योंकि कैटेगरी स्पेसिफाइड है तो इसलिए इनकी मिनिस्ट्री भी स्पेसिफाइड थी. बट यहाँ पे क्या है कि ये सबके लिए है तो अगर ये सबके लिए है तो इसकी मिनिस्ट्री कौन सी होगी. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ओके so this ministry of finance is implementing this scheme which is headed by Nirmala Sitaraman jinko bilkul bhi pyaaz pasand nahi hai. and now if we talk about the eligibility so guys eligibility ki baat kare to jitne bhi pension scheme hai hamare desh ke un sabhi mein jo entry age hai that is 18 years aur jo maximum hai age enrollment ki wo kitni hai 40 years. okay so agar koi person 18 saal se kam ka hai to isme nahi ja sakta ya 40 years se upar ka hai to bhi nahi ja sakta. okay और उसके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए दैट इज टू बी लिंक्ड विद आधार कार्ड. एंड नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस स्कीम जिसमें सभी को कंफ्यूजन रहती है. सबके पास ये कंफ्यूजन रहती है कि अगर मैं NPS में एनरोल्ड हूं अगर मेरे पास NPS अकाउंट है तो क्या मैं अटल पेंशन योजना का अकाउंट खोल सकता हूं या नहीं. सो इसका आंसर है येस. अ पर्सन कैन ओपन बोथ द अकाउंट. मतलब एक पर्सन दोनों ही स्कीम में दोनों ही अकाउंट में अपने आप को एनरोल करा सकता है. वो NPS का पार्ट भी हो सकता है और वो अटल पेंशन योजना का भी पार्ट हो सकता है. इनफैक्ट अगर कोई पर्सन ESIC का होल्डर है तो भी वो इसमें जा सकता है. EPFO का होल्डर है तो भी इसमें जा सकता है. अगर उसके पास कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है तो वो इसके अंदर एनरोल करा सकता है. लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है और वो कंडीशन क्या है
क्योंकि गाइज ये एक पेंशन बेनिफिट स्कीम है, तो ऑब्वियसली जितनी भी पेंशन बेनिफिट स्कीम होती है तो उसमें जितना पैसा कॉन्ट्रीब्यूटर का जाता है, मतलब जो सब्सक्राइबर है जितना उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उतना ही लगभग या फिर उससे थोड़ा बहुत कम सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ओके, मतलब पेंशन बेनिफिट स्कीम में क्या होता है, जैसे हमने लघु व्यापारी, श्रम योगी इन सब में पढ़ा था कि मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन होती है गवर्नमेंट की, जितना की सब्सक्राइबर कॉन्ट्रीब्यूट करता है उतना ही गवर्नमेंट पे करती है। तो अगर कोई पर्सन एनपीएस में ऑलरेडी एनरोल्ड है और वो अटल पेंशन योजना का अकाउंट खुलवाता है तो इन दैट केस जो गवर्नमेंट का को कॉन्ट्रीब्यूशन है वो उसको नहीं मिलेगा, उसके अकाउंट में नहीं जाएगा। ओके, बस यहाँ पे एक कंडीशन है, हर कोई अकाउंट खुलवा सकता है, इट इज ओपन टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। उसने कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम ले रखी होगी तब भी वो खुलवा सकता है, लेकिन वहां पे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट का को कॉन्ट्रीब्यूशन है वो उसके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कराया जाएगा। ओके, सो इफ अ मेंबर ऑफ एनी अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम ओपन्स हिज एपीवाई अकाउंट देन गवर्नमेंट्स को कॉन्ट्रीब्यूशन विल नॉट बी प्रोवाइडेड। ऑलराइट, सो आई होप आपको गाइज जो कंफ्यूजन है वो क्लियर है। एनी एनपीएस वाली बात गाइज 100% वेरीफाइड है, क्योंकि कल मैं खुद जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके पता करके आया, बिकॉज इंटरनेट पे कई जगहों पे मैंने ढूंढा, मेरे को नहीं मिला। कई जगहों पे ये लिखा था कि एनपीएस वाले एनरोल कर सकते हैं, कई जगहों पे ये लिखा है कि एनपीएस वाले एनरोल नहीं कर सकते हैं। ओके, सो मैं खुद जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इस बात को कंफर्म करके आया, उन्होंने बोला है यस एनपीएस अकाउंट होल्डर कैन ओपन अटल पेंशन योजना अकाउंट ऑल्सो। ऑलराइट, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो इट्स लॉन्च ईयर वाज गाइस 2015, इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। एंड इफ यू टॉक अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन, सो कॉन्ट्रीब्यूशन में अगर कोई पर्सन 18 साल की उम्र में एंटर करता है, ओके, सो इसमें 1000, अब देखो इसमें एक चीज है कि जो मिनिमम पेंशन है, जो पेंशन है इसमें मिनिमम वो है 1000 रुपीज और जो मैक्सिमम पेंशन है वो है 5000 रुपीज। ऑलराइट, मिनिमम पेंशन है 1000 और मैक्सिमम कितनी है 5000, जैसा कि हमने बाकी स्कीम्स में पढ़ा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जितनी भी स्कीम हमने पढ़ी है पेंशन वाली, इन सब में फिक्स पेंशन है 3000 रुपए की, बट यहाँ पे मिनिमम पेंशन है 1000 और मैक्सिमम है 5000 डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द सब्सक्राइबर। ऑलराइट, सो अगर कोई पर्सन 18 साल की उम्र में एंटर करता है और उसको 1000 रुपीज चाहिए एज अ पेंशन आफ्टर अटेनिंग 60 years ऑफ एज, देन ही हैज टू कॉन्ट्रीब्यूट ₹42। ऑलराइट, 5000 अगर पेंशन चाहिए देन ही हैज टू कॉन्ट्रीब्यूट 210। एंड इफ अ पर्सन एंटर्स एट द एज ऑफ 40, सो अगर 1000 रुपीज पेंशन वो चाहता है तो उसको 291 रुपीज डिपॉजिट करने पड़ेंगे, और 5000 चाहता है तो कितने 1454। ओके, एंड इसके अलावा गाइस मिनिमम 1000 है, इसके बाद 2000 भी हो सकती है, 3000 भी हो सकती है, 4000 भी हो सकती है, और मैक्सिमम कितनी पेंशन है इसमें 5000। ऑलराइट, एंड इफ यू टॉक अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन, सो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज 50% ऑफ द सब्सक्राइबर्स कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू ₹1000। मतलब कि जो सब्सक्राइबर का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका 50% और मैक्सिमम कितना देगी सेंट्रल गवर्नमेंट 1000 रुपीज। ओके, फॉर पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ये कब तक है, केवल 5 साल के लिए पीरियड तक के लिए था जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन था, उसके बाद गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो वहां से खत्म हो जाएगा। राइट, एंड नाउ पेंशन अमाउंट मैंने आपको बता दिया, मिनिमम 1000, मैक्सिमम 5000। पेंशन फंड मैनेजर हमने अभी तक सब में पढ़ा था LIC, बट हियर द पेंशन फंड मैनेजर इज PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड PFRDA इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली, इट इज हेडेड बाय मिस्टर सुप्रतिम बंदोपाध्याय। राइट, एंड अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो क्या होगा, सो अगर गाइस सब्सक्राइबर की डेथ 60 साल की उम्र से पहले हो जाती है, मतलब अभी वो उसके जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो चल रहा था उससे पहले उसकी डेथ हो गई, तो इन दैट केस जो उसका स्पाउस है उसके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि वो स्कीम को कंटिन्यू रखे और जितना कॉन्ट्रीब्यूशन सब्सक्राइबर की तरफ से आ रहा था उतना आता रहे, और आफ्टर द अटेनिंग ऑफ 60 years, मतलब 60 years किसका, जो सब्सक्राइबर की डेथ हो गई जब तक वो 60 साल का हो जाएगा, उसके बाद से जो उसके स्पाउस है उसको उतनी ही पेंशन मिलने लग जाएगी जितनी की सब्सक्राइबर ने एनरोल करवाई थी। ओके, सो द स्पाउस कैन कंटिन्यू द स्कीम बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग द अमाउंट टिल द ओरिजिनल सब्सक्राइबर वुड हैव अटेंड द एज ऑफ 60 years, और उसके बाद क्या होगा, जो स्पाउस है उसको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, और दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि जितना भी एक्यूमुलेटेड अमाउंट है उसकी डेथ तक, सब्सक्राइबर की डेथ तक, वो उसको वापस मिल जाएगा। ओके, एंड अगर सब्सक्राइबर की डेथ होती है आफ्टर 60 years ऑफ एज, अगर 60 साल के बाद उसकी डेथ होती है तो क्या होगा, तो फिर दो ऑप्शंस हैं उसके पास। पहला तो ये है कि पेंशन विल बी गिवन टू द स्पाउस, जो स्पाउस है वो किसको मिलेगी, पेंशन है वो किसको मिलेगी, स्पाउस को मिलेगी। और अगर मान लो कि सब्सक्राइबर और स्पाउस दोनों ही मर जाते हैं तो क्या होगा, तो इन दैट केस पूरा का पूरा जो फंड था, जो भी पेंशन, जो भी फंड एलोकेटेड था इन द अटल पेंशन योजना अकाउंट, वो प्रोवाइडेड करा दिया जाएगा किसको, नॉमिनी को। ओके,
So after the death of both the subscriber and spouse, the nominee will receive the accumulated funds. All right. And guys, this was about the scheme. I hope अब आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है. अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन है, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. सो क्वेश्चन नंबर वन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन इज द पेंशन फंड मैनेजर ऑफ द स्कीम. सो अभी अभी हमने पढ़ा दैट पेंशन फंड मैनेजर ऑफ दिस स्कीम इज PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ओके, क्वेश्चन टू, व्हाट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट्स को कॉन्ट्रीब्यूशन इन द स्कीम. सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 50% ऑफ द सब्सक्राइबर कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू 1,000 rupees पर एनम. ऑलराइट, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. एंड क्वेश्चन थ्री, व्हाट इज द मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन इफ अ पर्सन एंटर्स द स्कीम एट द 18 ईयर्स ऑफ एज. अगर कोई पर्सन 18 साल की उम्र में एंटर करता है और अगर वो 1,000 rupees की पेंशन चाहता है तो उसको कितने रुपीज देने पड़ेंगे, 42. और अगर वो 5,000 की पेंशन चाहता है तो उसको कितने देने पड़ेंगे, रुपीज 210. सो द करेक्ट आंसर शुड बी गाइज वॉट, ऑप्शन बी, रुपीज 42. एंड क्वेश्चन नंबर फोर, विच मिनिस्ट्री हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम. सो इसकी जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, विच इज हेडेड बाय निर्मला सीतारमन. एंड क्वेश्चन नंबर फाइव, वॉट विल हैपन टू द पेंशन अमाउंट इफ बोथ द सब्सक्राइबर एंड द स्पाउस डाइड. अगर सब्सक्राइबर और स्पाउस दोनों ही मर जाते हैं तो क्या होगा, जो भी एक्यूमुलेटेड फंड था वो किसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, नॉमिनी को. ओके, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, द नॉमिनी विल रिसीव द एक्यूमुलेटेड फंड्स. ऑलराइट, एंड गाइस दैट्स इट फॉर द सेशन, दैट्स इट फॉर द स्कीम. आई होप आपको स्कीम क्लियर है. एंड इफ देर आर एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. एंड फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. एंड फॉर मोर सेशंस लाइक दिस यू कैन बाय आवर पेड कोर्सेज ऑफ RBI, ग्रेड बी, सेबी, नबार्ड एंड UGC. Thank you so much for watching. We'll see you in the next session. Goodbye, take care and God bless.